वी विल बी टॉकिंग अबाउट हार्ट. सी, कोलैटरल सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट में नहीं होता. कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब है कि जब भी एक पर्टिकुलर मेन सर्कुलेशन की जगह, जैसे हमने बताया था आपको, कोई मेन सर्कुलेशन है, यहाँ पर एक सर्कुलेटरी पाथ जा रहा है, ये आगे तक जाता है, लेकिन इस पूरे पाथ का और भी लाइंस हैं, और भी इसके ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस हैं इसमें, और ये आर्टरी जा रही है, ब्रांचेस हैं. अब ये इतने बड़े किसी भी पार्ट को सप्लाई कर रही है, सम हाउ वॉट हैपन कि यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, सम हाउ यहाँ पे अच्छा खासा, रुक जाओ, अच्छा खासा ब्लॉकेज आ गया. सो उस ब्लॉकेज के चलते अब क्या हो गया कि आगे ब्लड नहीं जा पा रहा. अब आगे यहाँ पर ब्लड नहीं जा पा रहा है तो उसके चलते यहाँ पीछे का प्रेशर बढ़ेगा. सो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, पीछे प्रेशर बढ़ेगा, पीछे का प्रेशर बढ़ेगा तो इस खून की नस में और इस खून की नस में जाने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा. सो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रॉ मटेरियल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स और अच्छी चीज़ें खाते रहे, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेस्ट एंड एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूछेगी जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये बड़ी होती जाएंगी और ये कोशिश करेंगी आगे जाके उस पार्ट को सप्लाई करने का जहाँ पर सर्कुलेशन बंद हो गया. जहाँ पर सर्कुलेशन बंद हो गया उस पार्ट को ये आगे जाके सप्लाई करने की कोशिश, दैट इज अ कोलैटरल सर्कुलेशन. सो कोलैटरल सर्कुलेशन एक अलग से अलग पाथ बन रहा है, ये आर्टरीज में हो सकता है, वेन्स में हो सकता है, नियर बाय वेसल्स में, कभी भी जब भी ब्लॉकेज होता है तब होता है. इसके लिए इसके बेसिकली नियोवैस्कुलराइजेशन होता है, ज़्यादातर ये लेटरली हर जगह होता है, दिमाग में, ब्रेन में, आईज में, आपके वीएनएस सिस्टम में, आपके हार्ट में, तो होता ही होता है, राइट. ब्रेन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे एनास्टोमोसिस, सर्कुलर वीनस में, हार्ट में बहुत इजीली दिख जाता है, हार्ट अटैक में कई बार, कई केसेस में हार्ट अटैक में कई कोलैटरल सर्कुलेशंस मिलते हैं, खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स में कोलैटरल सर्कुलेशंस और मल्टीपल क्लॉट्स होते ही होते हैं, क्योंकि उनमें क्लॉट भी लंबा होता है, तो लंबे समय से अगर चल रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं उनमें देखा जाता है कोलैटरल सर्कुलेशंस मिलते हैं, जो लोग आर्मी में होते हैं, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें कोलैटरल सर्कुलेशंस अच्छे मिलते हैं. सो कोलैटरल सर्कुलेशन यानी नेचुरल बाईपास. अगर आप नेचुरल बाईपास करना चाहते हैं तो नेचुरल बाईपास आप एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकेज को बाईपास करके ब्लड चला गया, कोलैटरल सर्कुलेशन, तो नेचुरल बाईपास को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, नींद सही मात्रा में, जो आहार, प्रोटीन, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना. अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आपकी बॉडी आपके हार्ट का और बाकी चीज़ों का ख्याल रखेगी, ये सिस्टम बनाया है भगवान ने, ठीक. सो ये है कोलैटरल सर्कुलेशन. लेट मी